दोस्तों आप सभी का स्वागत है मोहिमा क्रिकेट एनालाइजर के चैनल पे। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि बैक टू बैक जीत और बैक टू बैक तमगा जारी है और आपके प्यार और दोस्त जीत का सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिनबागो नाइट राइडर्स वर्सेस गुयाना अमेज़न वॉरियर्स के बीच में खेले हमने आखिरी लीग मैच के तीसरा मुकाबला होने वाला है भाई, कैरिबियन प्रीमियर लीग का लास्ट मुकाबला होगा। दोनों ही टेबल टॉपर है, मार्केट रोड रहने वाले गुयाना की साइड में मोस्टली 50-50 रहेगा गुयाना का और 6/20 वाला को यस करके चलना है। वीडियो में बात करेंगे मैच कौन जीतने वाला है, डेट होगा 30 सितंबर को, समय होगा सुबह 4:30 बजे, वेन्यू होगा गुयाना का और प्रोविडेंस स्टेडियम गुयाना होम ग्राउंड। टेलीग्राम का लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, साथ में चैनल से जो हमारे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए 8960009142 व्हाट्सएप से जरूर जुड़ जाइएगा। दोस्तों व्हाट्सएप से जुड़ने पर आपको अपना नेम और लिमिट लिख के सेंड कर देना, जिससे कि हम आपको अपने लाइव चेंजिंग ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दें और आपको आपके लिमिट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करवा के आपको मोटा प्रॉफिट कमा के दे सके। दोस्तों सो भी जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल से और साथ ही व्हाट्सएप से जरूर जुड़ जाइएगा। दोस्तों एक बार देख लेते हेड टू हेड रिकॉर्ड गुयाना और ट्रिनबागो के बीच में जो लास्ट 10 मुकाबले खेले गए, जिसमें गुयाना ने 6 और ट्रिनबागो ने सिर्फ 4 मुकाबले जीते हैं। दोस्तों वह पिच रिपोर्ट में आएगी गुयाना का भाई, कही एक स्पिन फ्रेंडली ग्राउंड है, दो टाइप के पिच है भाई, एक बैटिंग और एक बॉलिंग। ये वाला भी बैटिंग है, यहाँ पर सिक्स करना सिक्स हिट करना ईजी है और यहाँ पर अच्छे एक अच्छा स्कोर बना के स्कोर डिफेंड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। दोस्तों टीम कंपेरिजन ऑन वेन्यू देख लेते, गुयाना ने यहाँ पर 10 मुकाबले खेले 8 जीते हैं 171 के एवरेज स्कोर से, वही ट्रिनबागो ने यहाँ पर 10 खेले 3 जीते हैं 140 के एवरेज से। तो भाई ऑन एवरेज स्कोर भी भाई गुयाना का काफ़ी ज़्यादा बेटर है, विनिंग परसेंटेज भी गुयाना के इस ग्राउंड में काफ़ी बेटर है और एक गुयाना के होम ग्राउंड है तो गुयाना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करती है। दोस्तों वेन्यू स्टेट्स से जाए देख लेते हैं एक बार, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 154/1 है, सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 135 है, तो फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर ज़्यादा स्कोर बनता है। फर्स्ट बैटिंग परसेंटेज 45 है, सेकंड बैटिंग परसेंटेज 53 है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि चेजन ग्राउंड एक डिफरेंट ग्राउंड है, ऐसा नहीं हो सकता। टॉस कोई बहुत बड़ा फैक्टर है नहीं भाई, रियलिटी ये है। प्लेइंग 11 देख लेते भाई, जेसन नॉय के कार्टी ओपनिंग करेंगे, निकलास पूरन, कैरन पुला, टिम डेविड, आंदिर रसेल, टे हिंस, अकील हुसैन, जेराडन सिल्स, क्रिस जॉर्डन और वेल डब्ल्यू सलाम खेल, इनके प्लेइंग 11 होने वाली। दो चेंजेस आपको देख सकते हैं, मे बी सुनील नायर फिट हो और वापसी करें। साथ में दूसरे साइड में बात कर लेकर गुयाना की, तो गुयाना के प्लेइंग 11 बिल्कुल सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होने वाला। आजम खान रहमतुल्लाह ओपनिंग करेंगे, साई ओबोंडम, सिमरन हेटमायर, मोइन अली रोमेरो, सेफर्ट केमोपो, डेव प्रेटोरिया, जी मोटी, इमरान थाहिर और जे एंक्रविथ, एलविन सिंक्लेयर। वही भाई दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बिल्कुल सेम रहने वाली है, विनर होगा गुयाना अमेज़न वॉरियर्स इस मैच में। फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा विजिट कर लीजिए, हो सकता है कि ये आखिरी सीरीज के लिए आखिरी मुकाबला एक घोड़ा मैच भी हो सकता है, तो घोड़ा मैच के लिए भी आप भी मॉर्निंग में जग सकते हैं। दोस्तों भाई और एक बार बात करें ड्रीम इलेवन टीम के बारे में, अपनी ड्रीम इलेवन टीम जो होगी भाई उसमें आपको रखना है निकलास पोटन को, कैरन पोलार्ड को, आंद्रे रसेल को, अकील हुसैन को, क्रिस जॉर्डन को, वही सामने वाली टीम से भाई आजम खान को ड्रॉप करिएगा, राहुल तुल्ला गुरबाज को रखिएगा, साई होप सिमरन हेटमायर को रखिएगा, मोइन अली को आप रख सकते हैं क्योंकि सामने वाली टीम में काफ़ी ज़्यादा राइट हैंडेड है, तो और रोमेरो सेफर डी प्रेटोरिया अपनी टीम रहने वाली है ड्रीम इलेवन टीम। भाई वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो भाई ज़रूर जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ हमें मैसेज करिए कि क्या क्वेरी है आपको, व्हाट्सएप पे क्वेरी का क्वेरी को रेज कर सकते हैं या तो भाई वीडियो से रिलेटेड को भी सवालों कमेंट करके पूछे, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी भाई हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि वो आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। दोस्तों और भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।